बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उम्मीद है कि आप सब ख़ैरियत से होंगे आज की वीडियो का टॉपिक है सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल मेथड को डिस्कस करेंगे जो सेकेंड लैंग्वेज एक्वायरिंग या सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं मेरे पास टेन जो मेथड्स हैं वो शॉर्टली मैंशन है इतना काफ़ी है इन मेथड्स को समझने के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको देना है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है नेचुरल मेथड क्या होता है डायरेक्ट मेथड क्या होता है ऑडियो लिंग्वल मेथड क्या होता है कोगनेटिव कोड साइलेंट वे कम्युनिटी लैंग्वेज प्लानिंग सजेस्टोपीडिया कंप्रीहेंसिव प्राइमरी और ड्रामा मैथड कौन सा है जो सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप खुद भी इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं याद कर सकते हैं और उसमें फ्लुएंट हो सकते हैं पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ बी एस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा ही चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ जो आपको आज भी स्क्रीन पर दिखाऊंगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ नोट्स पी का जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने ब्रीफली डिस्कस करना है सारे मेथड्स को दस मेथड मेरे पास मेंशन है जिनमें से आपको जो पसंद आए आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं और इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल या ओल्डेस्ट मेथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नेचुरल मेथड और डायरेक्ट मेथड है आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस पॉपुलर और यूज किया जाने वाला जो मैथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है इसको बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है इसको इस्तेमाल किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन के अंदर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं एक ये कि आपको ग्रामर प्रेक्टिकल रूल्स और वकीबलरी के बारे में पता हो अगर आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं तो उसके ग्रामेटिकल रूल्स आपको आते हैं और वकेबलरी आती हो और दूसरा इसके अंदर प्रैक्टिस कराई जाती है ट्रांसलेशन की कि आप किस तरीके से जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं और मदर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर यह इंतहाई पुराना तरीका है और एंशेंट ग्रीक टाइम पीरियड के अंदर रोमन टाइम पीरियड के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था कि कोई भी लैंग्वेज अगर लर्न करनी है तो ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न किया जाता था उसके बाद जब फर्दर डेवलपमेंट आई तो ग्रामिकल ग्रामेटिकल रूल्स से चेंज होकर ग्रामेटिकल कंपोनेंट पर आ गया जैसे कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब इन के ऊपर आ गया और एटीन सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर नाउन प्रोनाउन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा कि अगर हम इनकी रिलेशन आपस में समझ लें तो हमें यह समझ आ जाएगा और प्रेजेंट डे के अंदर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि टीचर सबसे पहले रूल्स पढ़ाते हैं जो कि टेंसिस के रूल होते हैं एक्टिव पैसिव के रूल होते हैं और इसके अलावा ग्रामर के रूल सेमेटिक्स के रूल होते हैं वो आपको मेमोराइज़ कराए जाते हैं आपको रिसाइड बार बार पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको उनका रट्टा लग जाए आपके दिमाग के अंदर वो फीड हो जाए और फिर आपको उनको डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करना सिखाया जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड का जो एम है वो इसके दो प्रिंसिपल एम है एक ये कि किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर मौजूद कोई भी लिटरेचर हो चाहे रिटन हो या स्पोकन हो उसको समझ सकें पढ़ सकें बोल सकें अंडरस्टैंड कर सकें और दूसरा उसका ये एम है कि एनालिटिकल स्किल डिवेलप किए जा सकें उस लैंग्वेज की ग्रामर के बारे में ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर फर्दर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को तीन शाखें दी गई जिसके अंदर उसको फर्दर डिटेल में पढ़ा गया जिसमें प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच आ गई लिंग्विस्टिक अप्रोच आ गई और ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच आ गई प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच सम्राद ये है कि आपको स्पेसिफिक सिलेबस बुक दे दिया जाता है जिसके थ्रू आप पढ़ते हैं लैंग्वेज लर्न करते हैं जैसे कि हमारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के अंदर होता है लिंग्विस्टिक्स अप्रोच के अंदर आपको बताया जाता है कि लैंग्वेज को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है एज अ सिस्टम उसको कैसे पढ़ा जा सकता है याद किया जा सकता है इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच के अंदर आपको बताया जाता है जैसे आप मदर टंग के अंदर डिफरेंट सेंटेंसिस को ट्रांसफॉर्म करते हैं और नए सेंटेंसिस को जनरेट करते हैं इसी तरह इंग्लिश के अंदर किस तरीके से आप नाउन वर्ब एडवर्ब इनकी जगहें बदल के इनको ट्रांसफॉर्म करके आप नए सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं ये हमारे पास ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था इसके बाद नेचुरल मेथड आया नेचुरल मेथड जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड के अगेंस्ट आया और ये सबसे पहले फ्रांस में आया रूसों ने इस पर काम किया नाइनटीन के अंदर नाइन्टी के अंदर नाइन्टी के अंदर और नाइनटीन सेंचुरी के अंदर ये फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ उसके बाद इस पर फर्दर काम किया इन लोगों ने और इस मेथड को आगे लेके चले कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि लैंग्वेज को जनरल सेटिंग के अंदर नॉर्मल लाइफ के अंदर ऑर्डनरी कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाए ताकि उसको लर्न किया जाए यानी कि आप अगर पंद्रह स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं तो आप टारगेटेड लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करें ताकि आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए इसमें ग्रामर वोकेबलरी इन पे ज़्यादा फोकस कर स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कराने से बेहतर समझा जाता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए यानी कि लैंग्वेज बोली जाएगी तो लैंग्वेज आएगी इसमें यह कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा गया था कि जैसे कोई भी बच्चा अपनी मदर टंग को एक्वायर करता है जैसे कोई हिंदी घराने में पैदा होता है तो वो हिंदी एक्वायर कर लेता है उर्दू में पैदा होता है उर्दू कर लेता है इसी तरह अगर हम स्टार्ट से ही उससे बच्चे से वो लैंग्वेज बोलेंगे इंग्लिश को तो वो इंग्लिश एक्वायर कर लेगा इसके अंदर फोकस किया जाता था कन्वर्सेशन पे डेमोस्ट्रेशन पे और डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे कि डायरेक्ट आप एक्सपीरियंस हासिल करें टीचर को इसके अंदर मोस्टली फ्लूंट होना ज़रूरी होता है रियल कम्युनिकेशन का कि रियल सिचुएशन में कम्युनिकेट किया जाए ताकि नेचुरली लैंग्वेज को ऑप्ट किया जा सके एक्वायर किया जा सके इसके बाद डायरेक्ट मैथड आता है डायरेक्ट मैथड जो है वो भी अगेंस्ट आया था ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड के और नेचुरल मैथड के इन्फोसिस करता है कि स्पीच जो है वो हम कन्वर्सेशन से इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट से जैसे कि आ, हमें नेचुरल मैथड में बताया एक्वायर कर सकते साथ साथ ग्रामर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि बंदा ग्रामर भी लर्न करे एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी के ऊपर काम किया गया था पाल्मर ने 1922 के के ऊपर और ने 1904 अंदर इस पे ज़्यादा काम किया था और फ्रांस के अंदर अब तक इसको फॉलो किया जाता है डायरेक्ट मेथड के ऊपर दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है लेकिन ज़्यादा जो है वो स्पीच पे फोकस किया जाता है जैसे नेचुरल मेथड के अंदर किया जाता है इसके बाद वर्ल्ड मोस्ट फेमस मेथड ऑडियो लिंग्वल मेथड आता है जो सारे पुराने मेथड्स हैं उनको पीछे कर देते हैं लेकिन स्टिल कम्युनिकेशन के गैप की वजह से ये रह जाता है ऑडियो लिंग्वल मेथड वाले जो थ्योरिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं ड्रिल कराना यानी कि एक्टिविटी कराना स्टूडेंट से जितना ज़्यादा हो सके काम लिया जाए टीचर का बहुत कम रोल होता है स्टूडेंट को वो ऑडियो जो है रिकॉर्ड सुनाएं उनको म्यूजिक सुनाएं उनको मूवीज़ सुनाएं उनको कोई भी अखबार पढ़ के सुनाएं ताकि वो ज्यादा से ज़्यादा सुने इसके अंदर सुनने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुने नस्बत इसके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्यूनिकेट करें यानी कि खुद बोले ये फास्टेस्ट तरीन तरीका समझा जाता है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए और वर्ल्ड वार टू के टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था इस पर काम करने वाले थ्योरीज के अंदर फ्राइज़ आते हैं जो 1947 के ऊपर अंदर इसमें काम करते हैं लेडो आते हैं 1957 के अंदर वॉलमर्स आते हैं नाइनटीन के अंदर इसके बाद कोर्गिनेटिव मेथड आता है नाइनटीन सिक्सटी के अंदर और ये ऑडियो लिंग ऑडियो लिंग्वल जो मेथड है उसके अगेंस्ट आता है उसके रिएक्शन के अंदर आता है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले क्रिस्टन है नाइनटीन सेवेंटी वन के अंदर रोनल्डसन है नाइनटीन सेवेंटी वन के अंदर ओसोबेल हेन नाइनटीन सिक्सटी फोर के अंदर ये ज़्यादातर मेंटलिस्ट थ्योरी के ऊपर बिलीव रखते थे यानी कि नॉम चाम्सकी को फॉलो करते थे और नॉम चाम्पकी की जनरेटिव ग्रामर को फॉलो करते थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं स्क्रीन पर दे दूंगी वो लाजमी देखिएगा यानी कि ए वो कहते हैं कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को तैयार कर लें और पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपस में एक दूसरे से लिंक के नाउन का प्रोनाउन से क्या है प्रोनाउन का एडजेक्टिव से क्या है ये लर्न कर लें तो आप इंग्लिश को इस्तेमाल कर सकते हैं ये कोगिनेटिव कोड था उसके बाद साइलेंट वे मेथड आता है जो कि गिटिगनों ने दिया है नाइनटीन

कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग जो है इसको कॉल भी कहते हैं और इसको काउंसलिंग लर्निंग भी कहते हैं इसके अंदर टीचर एज अ ट्रांसलेटर एक्ट करता है और स्टूडेंट एज अ क्लाइंट एक्ट करते हैं यानी कि पंद्रह स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया जाता है जो आपस में अपनी ज़बान के अंदर कोई जुमला बोलते हैं तो टीचर उनको ट्रांसलेट करके बताता है कि इस जुमले का मतलब ये है इस जुमले का मतलब ये है इसके अलावा स्टूडेंट के बोलने पे ही फोकस किया जाता है लेकिन स्टूडेंट आपस में बोलते हैं नस्बता इसके कि स्टूडेंट टीचर से बात करें या फिर टीचर से लर्न करें स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके लर्न करते हैं इसके बाद सजेस्टोपीडिया आता है जॉर्जी लवानजो ने यह दिया है नाइनटीन के अंदर इनको फादर ऑफ़ सजेस्टो पीडिया भी कहते हैं और अकॉर्डिंग टू हिम ट्वेंटी फोर डेज़ के अंदर सेकेंड लैंग्वेज को लर्न किया जा सकता है या फिर अठारह सौ लफ्ज़ जो नए लैंग्वेज के लर्न किए जा सकते हैं इनका ज़्यादातर फोकस होता है मेमोरी पावर के ऊपर जिसको इनको जिसको ये हाइपर मेजिया भी कहते हैं यानी कि आपकी आपको रटा लगवा दिया जाए लफ्ज़ों का वोकेबलरी का सेंटेंस स्ट्रक्चर का तो फिर आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर फोकस किया जाता है स्टूडेंट को रिलैक्स करने पे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे और बोलने में बात करने में प्रॉब्लम्स है उनको डील करने के अंदर इसके अंदर फोकस किया जाता है कि टीचर प्रेजेंटेशन दे डायलॉग्स की वोकेबलरी की ताकि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग डिवेलप और उसको मेमोराइज़ कराए इसके बाद टीचर जो है वो मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है जिसको वो याद करता है मेमोराइज़ करता है रटा लगाता है फिर ट्रांसलेशन दी जाती है कि एक पैराग्राफ दे दिया जो इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है फिर स्टूडेंट उसको बार बार ट्रांसलेट करता है याद करता है इसमें याद कराने वाला सिस्टम होता है सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो स्टूडेंट की रीडिंग पे किया जाता है फिर उसके बाद उसकी लिसनिंग और उसकी राइटिंग पे किया जाता है स्पीच साथ साथ चलती रहती है इसके बाद कंप्रहेंसिव प्राइमरी मैथड आता है जिसके अंदर हर मैथड का कुछ ना कुछ डाला हुआ है जैसे कि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा रखा जाता है कि स्टूडेंट पहले समझेगा स्पीच को अंडरस्टैंड करेगा उसके बाद ही वो उसको प्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहला जो जरूर कॉन्सेप्ट इसके अंदर ज़रूरी है वो ये कि स्टूडेंट को सब चीज़ें पहले समझ आ जानी चाहिए फिर वो उसको बोलेगा तो ये हमारे पास जो था कम्प्रहेंसिव प्राइमरी मैथड है इसके अंदर डिफरेंट मेथड के छोटे छोटे पॉइंट फॉलो किए गए हैं लास्ट मैथड जो मेरे पास मौजूद है वो है ड्रामा मेरे ख्याल में ड्रामा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए और बोलने के लिए क्रीक टाइम पीरियड में और मिडिल एजेस के अंदर स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म कराए जाते थे और लेटन के अंदर कराए जाते थे तो लोग लेटन लर्न कर लेते थे आज भी मेरा यही ख्याल है कि अगर आप इंग्लिश में मूवीज़ देखें ड्रामा देखें कोई फिल्म देखें तो आपकी इंग्लिश इससे बेहतर होती है और आपको बोलना भी आता है ड्रामा के थ्रू स्क्रीन हो टी हो इंटरनेट हो मोबाइल हो नेटफ्लिक्स हो आप ड्रामा किसी भी लैंग्वेज को जब आप लर्न करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज के ड्रामा को देखें और उसके सब के साथ देखें अपनी लैंग्वेज के अंदर तो आप लाजमी लर्न कर सकते हैं फर्दर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं हर मेथड के डिटेल के अंदर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के एडवांटेजेस ये हैं कि बड़ी क्लासों को आराम से पढ़ाया जा सकता है जिसमें चालीस बच्चे हों इसके अंदर टीचर की फ्लुएंसी की जरूरत नहीं होती क्योंकि रूल्स को लर्न करना है ग्रामर को लर्न करना है वोकेबलरी को लर्न करना है तो टीचर का फ्लुएंट होना ज़रूरी नहीं एक्यूरेट होना ज़रूरी है डिसडवानटेज़ का यह है कि स्पीच जो है स्टूडेंट वो कम से कम प्रोड्यूस करता है इसकी करंट सिचुएशन य है कि तमाम तर कंट्रीज़ के अंदर ग्रामर ही लर्न कराई जाती है नेचुरल मेथड जो है इसके अंदर टीचर का फ्लुएंट होना ज़रूरी है क्योंकि स्पीच स्पॉन्टेनियस स्पीच पर फोकस किया जाता है स्मॉल ग्रुप होगा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो टीचर कैरी नहीं कर सकता इसके अंदर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मुख्तिर मिलती है क्लास रूम एक्टिविटी पे डिपेंड करता है और टीचर का फ्लुएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये अब फॉलो नहीं कराया जाता क्योंकि क्वालिटी वर्क जो प्रोड्यूस नहीं करना इसके बाद डायरेक्ट मेथड आता है डायरेक्ट मेथड एक यूज़फुल मेथड है इसके अंदर लिंग्विस्टिक लेवल पे फोकस किया जाता है स्पीच पे फ़ोकस किया जाता है और स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं टीचर का फ्लुएंट होना ज़रूरी है और टीचर ही क्लास को कंट्रोल करता है फ्रांस के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर इसको अब भी इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो लिंग्वल मैथड आता है इसके डी हम क्लास ली जाती है जिसके अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है स्टूडेंट को इसमें रीडिंग और राइटिंग पैसिव होते हैं इसका डिसएडवांटेज ये है कि टीचर का फ्लुएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर के टीचर फ्लूंट होगा वो रिपीटिशन कराएगा रिपीटिशन जैसे कि कोई जुमला बोले माई नेम इज़ उफक ज़ारा अब क्लास से कहे कि सब अपना अपना नाम बोलें तो ये रिपीटिटिव होगा बिहेवियर क्योंकि ऑडियो लिंगवल है सुन के बोलने वाला है इसके अंदर टीचर का एक्टिव होना फ्लुएंट होना ज़्यादा ज़रूरी है स्पीच मेरे ख्याल से क्लास की पार्टिसिपेशन होती है तो लर्निंग बहुत ज्यादा होती है और अब भी ये इस्तेमाल किया जाता है कोर्गिनेटिव कोड जो है वो अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता इसका कोई स्पेसिफिक मैथड भी नहीं है साइलेंट वे के अंदर आपको कंटेक्चुअल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है समझाई जाती है नोट्स दिए जाते हैं मटेरियल दिए जाते हैं जिनको आप जिस मर्जी तरीके से याद किया जा सकता है स्मॉल ग्रुप के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है अगेन टीचर की जरूरत इसके अंदर पड़ती है इसके अंदर टीचर का फ्लुएंट होना लाजमी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग ये भी कॉन्टेक्चुअल पढ़ाया जाता है और इसके अंदर स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है इसलिए मिस्टेक भी हो सकती है थ्योरी और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है सजेस्टोपीडिया जो है इसके अंदर स्टूडेंट को फोकस किया जाता है उसको रिलैक्स किया जाता है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है और इसके अंदर ये होता है कि एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है टीचर इसमें ज़्यादा लगते हैं और स्मॉल ग्रुप के अंदर इसकी स्टडी कराई जाती है अब भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी जो है ये आज भी मोटरस uh, स्कूल के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है जिसके अंदर बच्चों को लैंग्वेज लर्न कराई जाती है ड्रामा के एडवांटेजेस ये हैं कि जब ड्रामा कोई देख रहा होता है तो वो आपस में अगर कमेंट करने लग जाए क्लास बात करने लग जाए तो वो अपनी मदर टंग के अंदर करने लग जाते हैं जिससे ड्रामा का अफेक्ट कम हो जाता है स्मॉल ग्रुप के अंदर कराया जाए और टीचर का इसके अंदर ज्यादा कोई खासा रोल नहीं होता इसके अंदर कोई नोट्स और मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं किए जाते करंट स्टेटस ये है कि अब तक लोग इसको यूज करते हैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़